दोस्तों वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आज मैं आप लोगों को एक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिस उपाय से आप नॉर्मल इन्वर्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बेसिक चीजें लगते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा और सर्किट भी बना के दिखाऊंगा। और ये देखिए, यहाँ पे एन चैनल मोस्फेट है जो कि यूपीएस में लगा रहता है। ये कॉमन मोस्फेट है CEP83A3। तो इसका बीच वाला पिन है ड्रेन, और ये साइड वाला तीन नंबर पिन है सोर्स, और पहला वाला पिन है गेट। ठीक है, तो गेट से ये ट्रिगर होता है, जैसे कि एन चैनल मोस्फेट है ऐसे ही है। तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके एक बार दिखा देता हूँ, और देख लीजिए, ये देखिए, तो बीच वाला जो पिन है, देखिए ये बीच वाले से मतलब ड्रेन से सोर्स में ये ओम सा रहा है, और ये गेट पे टच करने से ट्रिगर होगा, देखिए। और ये भी देखिए ट्रिगर हुआ है, डिस्चार्ज करता हूँ, देखिए, और ये देखिए, ओके। तो ये सब सही है, और इसे मैं अभी मेरा इन्वर्टर के लायक बनाता हूं। तो देखिए, मैं यहाँ पे दो वायर का टुकड़ा ले लिया, और ये जो ड्रेन है, ड्रेन को दो लाइन में बांटेंगे। ठीक है, देखिए, और ये दोनों को मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो 12012 लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको दो टाइप में बांटना होगा। ठीक है, सॉरी गाइज, ये गलती हो गया है क्योंकि दोनों का ड्रेन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें होगा, आपका काम होगा कि, तो गाइस नहीं, कोई गलती नहीं हुआ है, मतलब कि मैं सोच रहा था कि गलत हो गया, कोई बात नहीं, सब सही हो रहा है। ठीक है, और अब इस ड्रेन से इस ड्रेन को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए, ये बहुत आसान है, आपका अगर कोई नॉलेज है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप घर बैठे ही इसे बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखिए, पहले यहाँ पे ये सोल्डरिंग कर दिया, और इसके साथ इसे सोल्डरिंग करेंगे बराबर। ओके, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और इसका जो तीन नंबर पिन है ये सब एक साथ जोड़ना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा पिन नेगेटिव का है। ठीक है, तो चलिए इसे जोड़ते हैं।
देखिए बहुत आसान है, आप घर में बहुत आसान तरीके से ये बना सकते हैं, सिंपल सा है एकदम, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा ये वीडियो फॉलो करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं इसे धीरे धीरे करके ही करूँगा ताकि आप लोग घर बैठे कर सके इसे, ठीक है। सॉरी बहुत गर्म हुआ है, ठीक है। तो ये गर्मी की वजह से दिक्कत हो रहा है मेरे को, तो ये मैं लगा दिया, और ये लास्ट वाला इसे भी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना चाहिए आपको कि ये मेटालिक प्लेट्स है, ये जो सोर्स में नेगेटिव लग रहा है ये टच ना हो जाए, ठीक है। सो गाइस सॉरी फोन आ गए थे मेरा, और ये देखिए एक्सेस पॉइंट है तो इसे काटेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। ये अगर इसमें टच हो गए ना तो ये ड्रेन पे कनेक्टेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, ठीक है। और सब कुछ देखना होगा आपको कि किसी लेग दूसरी लेग के साथ टच हो गए कि नहीं, ये सब आपको फॉलो करना होगा। ये कनेक्शन अभी अच्छे से नहीं हुआ है तो इसे अच्छे से फिक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए तीन नंबर का पिन, हर एक पिन नेगेटिव में कनेक्टेड होगा तो इसीलिए सब पिन को एक साथ मैं जोड़ दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला पिन मतलब देखिए ड्रेन ड्रेन से ये लास्ट वाला, ये पहला वाला और लास्ट वाला ड्रेन एक साथ कनेक्टेड है, और बीच वाला जो दो है वो दोनों ड्रेन एक ही साथ कनेक्टेड है, मतलब कि दोनों सिग्नल आउटपुट होगा यहाँ से। तो इसीलिए ये दोनों को मैं अलग पॉइंट्स बनाया, आपको बराबर दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये लास्ट वाला मोस्फेट का ड्रेन और फास्ट वाला मोस्फेट का ड्रेन मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, एक साथ कनेक्टेड है और सब का सोर्स एक साथ कनेक्टेड है ये वायर के थ्रू। और ये देखिए बीच वाला दो मोस्फेट जो है इसका ड्रेन एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कनेक्शन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका कनेक्शन का डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और ये अभी तैयार हो चुके हैं, और अब यहाँ पे देखिए ये इसका डायग्राम अभी आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, देखिए 4047 का दिखाई दे रहे, और यहाँ पे दो आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है और इसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे दो की वजह से मतलब दो मोस्फेट ट्रिगर होता है तो यहाँ पे चार लगाना होगा, ठीक है। तो चार लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब देखिए ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है और ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए ये और ये एक साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों और ये दोनों चार मोस्फेट को ट्रिगर करने के लिए है, तो चलिए अब इसे रेडी करते हैं। और रेडी करने के लिए आपको छोटा सा वायर चाहिए, ठीक है, चार वायर चाहिए आपको।
तो ये चार वायर मैं बना दिया और इसे दो दो करके डिवाइड करूंगा, ठीक है। और अब इसे सोल्डरिंग करना होगा। तो और अब इसे बीच वाले मोस्फेट की गेट पे लगाऊंगा, ठीक है। और अब बाकी दो को भी सेम करेंगे। और ये हो गया है। और अब इसे बाकी दो में कनेक्ट कर दूंगा और करने के बाद ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज देके देखिए, ये पहला वाला मैं लगाया और ये लास्ट में भी लगाऊंगा। तो अब देखिए हो चुके, और ये नेगेटिव के लिए है, नेगेटिव कनेक्शन के लिए। ठीक है, और अब देखिए ट्रांसफार्मर का एक बार कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, ये बीच वाला जो है ये है कॉमन, मतलब सीटी, और ये लास्ट में फास्ट में है 12 वोल्ट, बीच में ये 6 वोल्ट और ये भी 6 वोल्ट। तो इसे जरूरत, इसकी जरूरत हम लोगों को है नहीं। और ये 12 जो है ये लास्ट वाला, मतलब ये पहला और लास्ट वाला, और बीच वाला जो है सेंटर का ये लगेगा। तो देखिए अब ये दोनों पिन, ये मोस्फेट की जो दो ड्रेन मतलब निकाले हम लोग, चार ड्रेन था कुल, तो उसे दो में बांट लिया, तो मतलब इसे कम करके दो कर लिया। और ये दो देखिए, दो इसमें होगा आउटपुट, और ये लगाया और यहां पे ये
बीच वाला पॉजिटिव का बैटरी में डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी पॉजिटिव चाहिए आपको, तो इसमें पॉजिटिव लगा दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाई दे रहा है बराबर। और ये नेगेटिव का कनेक्शन है, तो नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव है इसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ओके, और आप यहाँ पे IRF 540N भी लगा सकते, मतलब कोई भी एन चैनल मॉस्फेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है उसे आप नहीं लगा सकते। तो गाइज यहाँ पे एक 12 वोल्ट 7 एम्पियर का बैटरी है, आप देख सकते हैं, देखिए। ओके, और बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे मैं तैयार करके रखा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव, और ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को लगाएंगे। ठीक है, अब रेडी है, और अब देखेंगे। कौन सा कैपेसिटर? बड़ा वाला कैपेसिटर काला हुई है किधर? हट, वोइटर ही पॉलिथीन टाइप में चचर चचर कुछ नहीं, सब सही है। अब लोड लगा के देखना होगा, ये वायर में लोड नहीं ले पा रहे, छोटा सा वायर है ना, तो कभी दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, अभी से 100 वाट के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि आउटपुट ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। पर ये वायर को चेंज करना चाहिए मेरे को, क्योंकि इसमें ये बहुत गर्म हो रहा है, छोटा सा वायर है और एम्पियर इसमें लोड नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए नहीं जला, ठीक है, अभी भी नहीं जला, तो इसमें ट्रिगर करना होगा, और यार काफी गर्म हो रहा है, नहीं जल रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, ये वायर में लोड नहीं ले, वायर से बर्न हो रहा है, वायर से। इतना लोड लेता है इसमें, मोटा सा वायर था ना यहाँ पे, हाँ मिला मिला, एक मिला है, और एक चाहिए। तो गाइस मैं अभी बहुत ही मोटा सा वायर यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, ठीक है, और अब इसे चालू करके देखूंगा। तो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट नहीं आ रहा है, चलिए इसे ट्रिगर करके देखते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये लैम्प नहीं जला है। तो चलिए एलईडी से ट्राई करके देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो इसकी वजह से ऐसा ये काम नहीं कर रहा है, ये एलईडी भी नहीं जल रहा है,
और ये वायर अभी सही सलामत है। तो इसमें मेरे को कुछ बदलाव लाना होगा। नहीं हो रहा तो गाइज इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरा। तो ये IRF 540 का है, तो ये दोनों मोस्फेट से देखिए मैं चलाता हूँ एक बार, ठीक है। और ये अगर ये IRF से चलता है तो IRF लगाना होगा 4, ठीक है। और 3.5 3055 लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको अभी ये लगा के चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ड्रेन पे लगेगा, ये कनेक्शन ड्रेन पे लगेगा। ओके और ये 4 कनेक्शन निकाले थे मैं, इसकी जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। तो अब नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, और अब इसका नेगेटिव का कनेक्शन डालूंगा मैं यहाँ पे। और ये लगभग हो चुका है, और यहाँ पे अब देखना होगा लाइट नहीं जल रहा है, प्रीसेट का ही प्रॉब्लम हो रहा है शायद। प्रीसेट में दिक्कत हो रहा है, तो गाइस ये में इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो ये प्रिंटेड बोर्ड में लगा दिया मैं MOSFET को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा CFL मैं कनेक्ट किया, ये 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और मैं इसके साथ ट्यूबलाइट भी कनेक्टेड कर दिया हूँ, ये ट्यूबलाइट का लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे 3 और ये LED बल्ब है जो कि 12 वाट का है, ठीक है। तो ये मैं अभी चालू कर रहा हूँ, देखिए ये बैटरी को देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सब जल रहा है बिल्कुल, देखिए ठीक है। और यहाँ पे 4047 IC है, ओके देखिए। और ये 7 इसमें प्रॉब्लम भी थोड़ा सा है कि 7 एम्पियर में आपका ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो अच्छा बैटरी लगाना होगा आपको, ये देखिए। और ये फेक वीडियो नहीं है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलईडी वाल्व है जो कि 220 वोल्ट में रन करता है। ठीक है, फुल ब्राइट जल रहा है। ठीक है, और ये देखिए दोनों एक साथ मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर से ही निकाल रहा है, आप देख सकते है ना। और ये जो लाइट लगाया ये मतलब ऊपर का मेरे घर में ऊपर में जो ट्यूब लाइट है वो जो फॉलोअर्स मेरा यहाँ पे आए थे उनको पता है, तो वो ट्यूब लाइट का कनेक्शन है ये। ठीक है, और वोल्टेज को अभी चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि कितना आउटपुट दे रहा है ये लोड लेके, मतलब ये अभी 60 वाट के आसपास लोड मैं ले रहा हूँ और वायर का भी लोड होगा, तो यहाँ पे ये 750 वोल्ट एसी में रखता हूँ। ठीक है, और ये सब जल रहा है, तो आपको तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये वोल्टेज चेक करते वक्त मेरा एक मल्टीमीटर जल गए थे, यहाँ पे देखिए 90 वोल्टेज, मतलब काफी लो वोल्टेज इसमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए एक कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते। एक कनेक्शन में डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे और एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है, मतलब अभी भी 25 वाट यहाँ पे लोड है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कितना आउटपुट इसमें आ रहा है। तो चलिए पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जितना सारा लाइट कनेक्टेड था पीछे का और यहाँ पे तीन, ये सब मैं डिस्कनेक्ट कर दिया और अब इसका जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे फिक्स करके देखते कि वोल्टेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ रहा है। सौरभ इसे पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ो। तो गाइस आप देखिए 200 वोल्ट 202 ये सब आ रहा है, मतलब कि वहां पे जो प्रीसेट था मैं उसे ट्रिगर कर दिया, तो इसकी वजह से ये वोल्टेज बढ़ गया है। ठीक है, तो वहां से वोल्टेज को हम लोग सेट कर सकते। ठीक है, तो वोल्टेज अभी बढ़ चुका है और अभी एक 100 वाट का बल्ब चेक करेंगे। ठीक है, कितना ग्लो होता है वो देखेंगे। तो देखिए ये 100 वाट का बल्ब, और इसका डायग्राम आपको चाहिए अगर तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में, तो इसका इसके बारे में मैं पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखिए, मतलब वो जोर से नहीं जल रहा है, मतलब धीरे धीरे करके ही जल रहा है, फुल ब्राइट नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्लो हो रहा है अच्छे से, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन देखिए ये 100 वाट तक लोड ले रहा है। ठीक है, और अगर एलईडी बल्ब लगा देते तो ये फुल ब्राइट जलता है। ठीक है, तो देखिए एलईडी बल्ब मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए एक एलईडी बल्ब, ये 12 वाट का है। ठीक है, ये 12 वाट का है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए फुल ब्राइटली जल रहा है।
ठीक है। और एक बात, यहाँ से वो लैपटॉप का एडाप्टर, कोई भी एडाप्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें 150 वाट तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, 150-200, ठीक है। लेकिन आपको ये 4 एम्पियर ट्रांसफार्मर होना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो ये 4 एम्पियर ट्रांसफार्मर है, 12012, ठीक है। तो आप अगर ऐसा बनाना चाहते तो अब मेरे को बताइएगा जरूर। और ये मेरा ट्यूबलाइट है, ये मैं जला के दिखाता हूँ। मतलब ये ऊपर में लगा हुआ है सीलिंग में, ठीक है। तो गाइस ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं ये पतंजलि छोटा सा बना रहा था ब्रेडबोर्ड लेके, तो इसमें दिक्कत हो रहा है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं बड़ा सा डिजाइन आपके सामने करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और मतलब कि घर में बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 एम्पियर में काम नहीं करता है, 2 या 3 या 4 चाहिए, ठीक है। और सिंपल कनेक्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा वो डायग्राम, ठीक है। तो मोस्फेट का डायग्राम मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस अब देखिए, ये IRF 540N बहुत बढ़िया रहता है। और मैं जो यूज़ कर रहा था पहले वो था CEP83A3, तो वो अच्छे से काम नहीं करता है इसी मॉडल में, ठीक है। तो चलता है 150 वाट तक चलता है, लेकिन 450 के लिए आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 4 MOSFET है एन चैनल का, तो इसका बीच वाला पिन ड्रेन है। तो ये देखिए 1 नंबर और 2 नंबर का मतलब एक साथ कनेक्टेड किया। सब MOSFET का जो नेगेटिव है, मतलब वो सोर्स सब नेगेटिव है, ठीक है। 3 नंबर का पिन सब एक साथ कनेक्टेड है, देखिए। और ये देखिए बीच वाला जो पिन है, इसमें से एक कनेक्शन निकाला जो कि ट्रांसफार्मर का एक वायर में जाएगा, और इसमें से एक वायर को निकाला जो कि ट्रांसफार्मर का एक वायर में जाए, दूसरी वायर में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 220 ये रजिस्टर है, तो देख लीजिए ये दोनों एक साथ कनेक्टेड होके एक पॉइंट निकला है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 नंबर पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ के एक पॉइंट निकलता है, तो ये 1 नंबर का है, ठीक है। तो ये दोनों जो आई जो मतलब जो IC है उसमें से सिग्नल आएगा, और ये दोनों में भाव मतलब कि डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसलिए 4 रजिस्टर है, देखिए हर एक MOSFET में एक एक रजिस्टर है ट्रिगर करने के लिए MOSFET को, ठीक है। और आप ड्रेन से सोर्स तक एक हाई वैल्यू रजिस्टर जोड़ सकते हैं, ठीक है, तब अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और ये है मतलब कि MOSFET का वायरिंग, मैं आपको दिखा दिया। और ये जो 4047 IC का डायग्राम है, उसमें से 2 वायर मतलब कि 10 और 11 नंबर पिन से उसका सिग्नल निकालते हैं। तो मान लीजिए इसमें 10 लगा दिया, 10 नंबर पिन, और इसमें 11, तो ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। और ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला सेंटर का CT पिन है, तो उसमें पॉजिटिव को डायरेक्टली देगा देना होगा, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।